अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे मैच बारिश की वजह से ड्रा हो गया था। अब दूसरा वनडे मैच 11 मई हफ्ते के दिन दोपहर 3 बजे शुरू होगा। अगर बात की जाए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहला वनडे मैच सिर्फ 19 ओवरों तक महदूद रहा, जिसकी वजह से किसी प्लेयर को बगैर बिना किसी कारकर्दगी के बाहर नहीं बिठाया जा सकता। राय के मुताबिक जो प्लेइंग 11 पहले वनडे मैच में मैदान में उतरी थी, वही प्लेइंग 11 दूसरे वनडे मैच में भी मैदान में उतरेगी। शुएब मलिक ने कल पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लिया था, मगर शुएब मलिक को दूसरे वनडे मैच में भी बाहर बैठना पड़ेगा। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ इंजरी की वजह से अभी तक क्रिकेट की दुनिया से बाहर हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मोहम्मद हफीज़ को इन 5 वनडे मैचेस में से किसी में खिलाकर मोहम्मद हफीज़ को दोबारा इंजरी का शिकार किया जाए। तो वो चाहते हैं कि वनडे सीरीज़ में मोहम्मद हफीज़ को रेस्ट दिया जाए और वर्ल्ड कप में मोहम्मद हफीज़ से भरपूर फ़ायदा लिया जा सके। तो दोस्तों, जो पहले वनडे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी, वही प्लेइंग 11 दूसरे वनडे मैच में होगी, यानी कि कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको दे सकें क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ यूं होगी। ओपनिंग फ़खर जमान और इमामुल हक एक बार फिर करेंगे, बाबर आजम 1 डाउन पर, जबकि 2 डाउन पर हारिस सुहेल, और नंबर 5 पर मोहम्मद सरफराज अहमद, नंबर 6 पर आसिफ अली, नंबर 7 पर इमाद वसीम, नंबर 8 पर फहीम अशरफ, नंबर 9 पर हसन अली, नंबर 10 पर शाहीन शाह अफरीदी और नंबर 11 पर मोहम्मद आमिर खेलेंगे, जबकि यासिर शाह, जुनैद खान, आबिद अली और मोहम्मद हसनैन को बेंच पर बिठाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो करें ही करें, और साथ में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।